हेलो एवरीवन, मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हिडन एनिमी के बारे में, यानी छुपे हुए शत्रु के बारे में। आज के टाइम में हर व्यक्ति का कोई ना कोई छुपा हुआ शत्रु जरूर होता है। जब व्यक्ति सफलता हासिल करता है या प्रगति के रास्ते पर होता है तो उसका कोई ना कोई शत्रु जरूर बन जाता है, जो उसके आसपास के लोग होते हैं या उसके रिश्तेदार ही होते हैं। सामने तो वो मीठी मीठी बातें करते हैं, बट पीछे से वो बुराइयाँ करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा दोस्त। तो जब हमें पता चल जाता है कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा दोस्त, तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई बार जो हमारे काम होते हैं वो बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं, यानी कोई काम पूरा होने वाला है बट अचानक से उसमें कोई रुकावट आ जाती है, वो पूरा ही नहीं हो पाता। तो कई बार हम कहते हैं किसी की नज़र लग गई है ये, तो हमारी जो सारी बातें होती हैं हम अपने रिश्तेदारों के आसपास जो भी हमारे लोग होते हैं उनको बता देते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। जब हमें पता चल जाएगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, तो हम अपनी बातें उन्हीं को शेयर करेंगे और अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट भी ऐसे आदमियों से हम कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में एक ऐसा एंजल नंबर और एक ऐसा स्विच वर्ड मैं आपको बताऊंगी जिसके द्वारा आप अपने आप को उन शत्रुओं से प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और आप पहचान भी सकते हो कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन, यानी जो छुपा हुआ शत्रु है वो कौन है। तो जो हमारा एंजल नंबर है वो है हमारा 051। इस एंजल नंबर को आप अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे या अपने हैंड पे, जो लेफ्ट है उस पे आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। सारा दिन आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर आप 5-5 मिनट की जरूर चैंटिंग करें, और आप इसे वाटर चार्ज करके पी सकते हैं या फुल एक पेज आप इसको लिख भी सकते हैं। जब आप लगातार इसकी चैंटिंग करते हैं तो जो भी आपका शत्रु होता है छुपा हुआ, आपको पता नहीं कौन है, तो धीरे धीरे वो आपके सामने आने लगता है। जब भी आप किसी स्विच वर्ड की या एंजल नंबर की आप चैंटिंग करते हैं तो आप अपने मन में इंटेंशन जरूर करें कि आप ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जब इसे शुरू करते हैं तो आप करें, हे ईश्वर, कि मैं जो ये स्विच वर्ड या ये जो चैंट कर रहा हूँ स्विच वर्ड या एंजल नंबर, तो जो भी मेरा छुपा हुआ शत्रु है उसका चेहरा मेरे सामने आ जाए, मुझे पता चल जाए कि वो कौन है। सबसे पहले आपको उसकी इंटेंशन रखनी है, उसके बाद आपको इसकी चैंटिंग करनी है। जो हमारा स्विच वर्ड है वो है हमारा अनमास्क। जो आप इस स्विच वर्ड की लगातार चैंटिंग करते हैं अनमास्क अनमास्क, तो जो भी आपका शत्रु है उसका चेहरा आपके सामने आने लगता है, आपको पता चल जाएगा कौन आपका शत्रु है और कौन आपका दोस्त। जब आपको पता चल गया, जब कंटिन्यू आप इसको करते हो, इसकी चैंटिंग करते हो या इस नंबर को लिखते हो और आपको पता चल जाता है कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका दोस्त, और आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट सबको जो रिजल्ट है, किसी को देर में मिलता है, किसी को जल्दी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, सबका इसे अपनी एनर्जी ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी एनर्जी है। जब आप पूरे बिलीव और फेथ के साथ इस चीज़ को करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। कुछ दिन आप इसको लगातार कीजिए और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब कैसे जो हमारा एनिमी या जो शत्रु है हमें पता चल गया, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक रेमेडी। आपको करना क्या है, जो हमारे भगवान हनुमान जी हैं वो संकट मोचन नाम से भी जाने जाते हैं, यानी वो हमारे हर संकट को दूर करते हैं, हमारे दुश्मनों से हमको बचाते हैं। तो आपको डेली सुबह नहाकर हनुमान जी के सामने बजरंग बाण का आपको पाठ करना है और एक लाल फूल आपको हनुमान जी के सामने चढ़ाना है। जब आप डेली ये करेंगे तो देखना जो भी आपके शत्रु हैं वो आपसे दूर होते चले जाएंगे और आप उनसे खुद प्रोटेक्ट होने लगोगे, और जो आपका बिजनेस है कुछ भी वो आपको सफलता हासिल करता चला जाएगा। जो भी उसमें ब्लॉकेज आ रही हैं या जो भी आपका दुश्मन है वो आपसे दूर हो जाएगा और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगेगा। जब आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और जो भी आपका छुपा हुआ शत्रु है वो आपको जरूर पता चल जाएगा वो कौन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।